डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपसे इसमें कहा गया है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट थ्री सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर अ सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में आपको Fe+2 आयन को ऑक्सीडाइज करना है, तो आपको याद आ रहा है कि आयरन जो होता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, एक Fe+2 और दूसरी Fe+3। तो यहाँ पर क्या होगा कि Fe+2 Fe+3 में बदल जाएगा। इस रिएक्शन के लिए मैंने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को चेक किया तो ये वैल्यू 0.77 वोल्ट आती है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है और आपको क्या करना है कि उन रिएजेंट के बारे में बात करनी है जो इसको ऑक्सीडाइज कर जाए, यानी कि वो जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए, जिनका SRP 0.77 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो जिनका SRP 0.77 वोल्ट से ज्यादा होगा वो सारे के सारे होंगे, यानी आप समझ लीजिए कि Fe इस रिएक्शन के Fe+2 to Fe+3 यानी 0.77 के नीचे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो यहाँ पर इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे। अब हमें SRP की वैल्यू को देखना है, तो हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा और उसे SRP की वैल्यू को चेक किया और चेक करके कुछ रिएजेंट है क्योंकि तीन के बारे में पूछा गया है, आप यहाँ पर ज्यादा भी बता सकते हो। MnO4- KMnO4 की जब हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो आपको याद आ रहा है कि वो कलरलेस हो जाता है और Mn+2 आयन बनाता है। इसका जो SRP आता है वो 1.51 वोल्ट आता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो ये रिएक्शन जो होगी वो फिजिबल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसके E0 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, E0 सेल की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। EMF ऑफ द सेल, देखिए यहाँ पर ये बात बताने का मतलब भी है कि हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए जिससे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि जो SRP होगा वो ज्यादा होना चाहिए 0.77 वोल्ट से। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि MnO4- जो है वो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है तो ये Mn+2 में बदल जाता है और इसके E0 की वैल्यू 1.51 वोल्ट आती है जो कि इससे ज्यादा है, तो रिएक्शन ये फिजिबल हो जाएगी। इसी तरह से डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करा सकते हो, ये भी Fe+2 को Fe+3 में बदल देगा। क्यों? क्योंकि Cr2O7 जो होता है वो 2Cr+3 में बदल जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है और इसके भी SRP की वैल्यू 1.33 वोल्ट आती है जो कि 0.77 से ज्यादा है। इसके अलावा H2O2 भी एसिडिक मीडियम में आप यूज करते हो, अगर आप H2O2 एसिडिक मीडियम में यूज करते हो तो वाटर बनाता है और इसकी वैल्यू जो आती है 1.78 वोल्ट आती है, तो ये रिएक्शन भी जो होगी वो कैसे हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। इसके अलावा हैलोजन्स आप यूज कर सकते हो, प्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होंगे, किसमें, आयरन के लिए। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जिसका SRP 0.77 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है वो रिएजेंट जो होंगे वो यूज कर लिए जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म। अगला क्वेश्चन जो है वो pH से रिलेटेड क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया गया है, ये हाईली ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन भी है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इक्वल टू 10। आपको ये बताना है कि एक सॉल्यूशन आपको दिया गया जिसके pH 10 है, उसके लिए जो पोटेंशियल होगा यानी EMF ऑफ द सेल होगा वो क्या होगा, यानी E सेल होगा वो क्या होगा। हमने रिएक्शन ली, रिडक्शन रिएक्शन 2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 और ये 1 एटमॉस्फेयर तो गैस निकल रही है, हाइड्रोजन जो होती है वो निकलती है कहाँ पर है, 1 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए E सेल इक्वल टू E0 सेल -0.059 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आएगा, तो प्रोडक्ट मेरे पास गैस है तो प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, और H+ जो है वो रिएक्टेंट है तो H+ का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में याद आ रहा है कि अगर आपको pH दी जाती है तो HN कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ होता है, यानी कि H+ कंसंट्रेशन 10⁻⁻ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर की वैल्यू हमें 1 एटमॉस्फेयर दी तो ये वैल्यू हमने 1 एटमॉस्फेयर रख दी और इसकी वैल्यू हम 10⁻⁻ यहाँ पर रखी है।